हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सनसेट एक्रिलिक पेंटिंग। ये बहुत इजी है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने अपना बेस तैयार किया था वाइट एक्रिलिक पेंट से, और फिर येलो कलर यूज़ किया था, और साथ में पिंक और पर्पल के शेड दिया है। इससे हम अपने स्काई तैयार कर रहे हैं। सनसेट के टाइम पे जैसा सन होता है ना, दिखाई देता है बट उतनी ब्राइटनेस नहीं होती जितनी दिन में होती है। तो सूरज भी दिखाना है, आसपास का जो थोड़ा सा ब्राइट पार्ट रहता है स्काई में वो भी दिखाना है, और साथ में ब्यूटीफुल स्काई जो कि सनसेट के टाइम पे डिफरेंट कलर्स में हमें कभी कभी शो होता है, तो वही कलर कॉम्बिनेशन रखा है मैंने। कलर्स को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। मैंने फ्लैट ब्रश का यूज़ किया है इसके लिए। अब नीचे बॉर्डर बनाया है, इसके लिए ब्लू कलर यूज़ किया है, और एक शेड एक बार लेयर के बाद में एक सेकंड लेयर ज़रूर दीजिए कलर के, जिससे कि कलर बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। अब माउंटेन्स बनाए हैं, इसके लिए मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया है, और ब्लैक कलर एक लेयर के बाद में उसके बाद में थोड़ा सा वाइट कलर के साथ में एजेस बनाए हैं माउंटेन्स के, जो समझ में आए दूर से कि हम माउंटेन्स बने हैं, प्रॉपर दिख रहे हैं। ये भी एक स्मॉल फ्लैट ब्रश यूज़ किया है इसके लिए। देन सेम जो कलर हमारा स्काई में होता है वो पानी में रिफ्लेक्ट करता है, तो पर्पल कलर डाइल्यूट करके यूज़ किया है, जिससे कि हम हमारा नीचे का जो वाटर है वो भी दिखेगा, साथ में जो हमारी स्काई का रिफ्लेक्शन है वो भी साफ साफ दिखेगा। साथ में यहाँ येलो कलर का भी यूज़ किया है, क्योंकि हमारे स्काई में भी थोड़ा येलो कलर यूज़ है। अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे इसको, थोड़ी डिटेलिंग के साथ में काम करेंगे तो जो पेंटिंग है वो बहुत अच्छी बनके तैयार होगी। अभी बीच में कुछ कुछ लहरों की तरीके से लुक आना शुरू हो गया है, बट अभी इसको साइड से भी एक बार ब्लू कलर का लेयर फिर से जाएगा, जिससे कि अच्छी तरीके से सी वाटर ब्लेंड हो जाए। ब्रश के उल्टे साइड की टिप का यूज़ करके मैंने सन बनाया है, पहले वाइट कलर, देन येलो, फिर रेड, फिर थोड़ा सा येलो कलर यूज़ करके ब्लेंड किया है। और जब हम दूर से बैठ के देखते हैं ना पानी में, तो सूरज के जस्ट नीचे उसका रिफ्लेक्शन भी आता है सन रेज का, तो अब वो बना रहे हैं।
इसी बीच में जो हमने माउंटेन्स बनाए थे वो भी ऑलमोस्ट ड्राई हो गए थे, तो थोड़ी सी फिनिशिंग बाकी थी, साथ में वो कर लेते हैं। और अब वाइट एक्रेलिक पेंट से हमें सनलाइट दिखानी है जो कि पानी में रिफ्लेक्ट हो रही है। ये एक्रेलिक पेंटिंग्स जो मोस्टली सनसेट एक्रेलिक पेंटिंग्स होती हैं, ये स्टार्टिंग में लगती हैं जैसे पता नहीं क्या ही बन रहा है, बट जब बन के तैयार होती है बहुत ब्यूटीफुल होती है। होपफुली आपको पसंद आई होगी। सी यू अगेन, बाय बाय।